सो वेलकम गाइस, सभी को मेरे ओर से नमस्ते। मैं आज बहुत दिन के बाद अपने किचन में, तो मैं सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ मेरे किचन के बाहर ये जो लैंडस्लाइड आया है, तो मेरे किचन के पास ही इसे हम बाघ कहते हैं, बड़ा वाला ये पता बाघ। तो ये मेरा इधर आ गया, जैसे देख सकते हैं गनीमत थी कि मेरे यहाँ कुछ नुकसान नहीं हुआ है। इसको दिखाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा किचन में आप जैसे भी जानते हैं मुझे पकाने का शौक है, तो ये है लोकल चिकन, लोकल मुर्गी, मुर्गा था, तो इसे मैं चलाऊंगा। वीडियो में बने रहिए। तो इसका जो मैंने हालांकि इसका पंख निकाल दिया है, पर इसमें जो छोटा छोटा रह जाता है उसको मैं चलाऊंगा। वीडियो बनाने में जैसे कि ये काम भी निकल जाता है और वीडियो भी निकल आता है, तो बहुत दिनों से मेरा वहाँ नेटवर्क नहीं था, तो बनाया भी पर अपलोड नहीं कर पाया, तो बहुत सारा पेंडिंग रह गया। अभी जब यहाँ आ गया हूँ वाईफाई के सामने तो जरूर डालूंगा। बरसात हो रहा है बाहर पे, सभी को, सभी मेरे व्यूअर्स को दुआ करता हूँ कि आप सब भी सही सलामत रहे इस मौसम में और बिजुल का जर्नी ना करें। अगर काम हो ही तो निकले, जर्नी इस वक्त बहुत डेंजरस हो सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और थोड़ा जलाना बाकी है, अच्छी तरह जला ले तो बेहतर है। तो इसका इनर्ट्स मैंने निकाल दिए हैं, ये देखिए। तो अब इसमें भरेंगे जरा सा घास फूस, फिर तो अब मैं पेस्ट रेडी करता हूँ। ये लगभग तैयार हो चुकी है, तो
मेरे पास तैयार कर लिया है। गार्लिक, जिंजर और मिर्ची है, इसको मिलाएंगे। तो अब ये पेस्ट रेडी है, 15 मिनट ऐसे रखेंगे। लेना हमारे यहाँ होता नहीं, ये सब भी किया जा रहा सब यूट्यूब का अपने स्टाइल में। ग्लव्स लगाना चाहिए, तो ग्लव्स कुछ कंफर्ट नहीं लगता मुझे, तो मुझे बिना ग्लव्स ही अच्छा लगता। कंफर्ट से कर सकता, ग्लव्स का आदत नहीं है, ट्रैवल है तो
सकते ही ऐसा है। हुआ रेडी है, अब ओवन में जाएंगे। तो अब ओवन में फिटिंग करते हैं। कैसे बन रहे हैं लेकिन तो आग में बना रहा होता तो उसको घुमाना पड़ता, तो ये मशीन में है तो मशीन खुद घुमा रहा है। निकाल सकते हैं इसको देख के। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, लगभग 10 मिनट सिर्फ बचा हुआ है यहाँ मेरे मशीन में। कहते हैं
अगर हड्डी मीट से अलग हो जाए तो मान लीजिए कि मीट पक चुका है। ये देखिए ये लगभग तैयार है। इसका महक भी काफी मजेदार आ रहा है, शायद अच्छा बना है। तो इसमें मैं डालूंगा लेमन, तो इसमें मैं डाल रहा हूँ लेमन। और अच्छा फ्लेवर है, मैंडेटरी नहीं है पर इससे मैक अच्छा आता है। तो केवल 6 मिनट बचा हुआ। Here are my guests. तो ये है चिकन और ये है उसका अंदर का मसाला। तो गेस्ट सभी हैं इधर। तो करे मामू बताओ कैसा बनाए? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। और का फ्लेवर कैसे लगा? एकदम स्पाइस और नींबू का मिक्स आ रहा है टेस्ट ना, नींबू का फ्लेवर भी। ओके, तो अभी तरनी बताएगा कि कैसे बनाया। तरनी बताओ। बढ़िया बनाया। और बाबा बताओ। बहुत अच्छा बनाया। नन्ना बताओ। बहुत अच्छा बनाया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।